Wow! Wow! Skoro chciał. किये किथे वे गूगल शूगल ये क्या था खोलो हाँ इसमें से चार्जर भी निकालो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए आमीन सुम्मा आमीन और हम सबका ईमान सलामत रखे ये ले जी हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट जो कि एक दिन लेट हो गया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्यूटर ठीक हो के आ गया है और बस वही स्टार्ट करके देखने लगी हूँ कि कैसा चलता है और क्या ठीक हुआ है और क्या ठीक नहीं हुआ और तूर साहब इधर पेश पेश हैं चलो चलाओ चलाओ बर्बाद करो दो दफा वाओ वाओ उसको लगता है उसके लिए आपके लिए नहीं है ये आपने नहीं इसको लेना किथे वे गूगल शूगल नेट नहीं है काफ़ी दिन हो गए हैं तूर का अपना कंप्यूटर ख़राब हुआ हुआ है और वो तो अब मैंने ठीक भी नहीं करवाया और इधर जब मैंने चलाना शुरू किया है तो मुझे तो कुछ चलाना ही नहीं आ रहा था कंप्यूटर चलाना मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया जो भी काम करती हूँ मोबाइल पे ही करती हूँ तो अब मेरे लिए ये भी हादसा अब मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं कंप्यूटर को सीखूँगी अब कैसे सीखने के लिए भी टाइम चाहिए और अगर सीखने में टाइम लगा दूँगी तो फिर वीडियो कैसे अपलोड करूँगी तो अच्छा इधर ये देखें मैं ना सूरत का जो है वो चला रही हूँ क्योंकि ये जुम्मे के दिन का क्लिप है ये सारी वीडियो जुम्मे के दिन मैंने शूट की थी लेकिन हफ्ते वाले दिन मैंने इसको अपलोड करना था वीडियो को वो हो नहीं सकी तो इसलिए एक दिन लेट हो गया तो इधर जुम्मे वाले दिन कोशिश मेरी होती है कि सब सूरत काफ भी पढ़ें अगर नहीं पढ़ते तो फिर चलें कंप्यूटर पे हम लगा के तो ऊंची आवाज़ से वो सुन लेते हैं इतना तो कर ही लेना चाहिए अगर पढ़ नहीं सकते तो बस कभी ऐसे कर लेते हैं कभी पढ़ लेते हैं सब मिक्स चल रहा होता है तो कंप्यूटर का क्या हुआ है ये कीबोर्ड उसका ख़राब हुआ हुआ था सारा इसमें जूस गिर गया हुआ था तो वो बस उन्होंने कीबोर्ड उसका चेंज किया है और विंडो शायद ये विंडो 7 थी पहले और अब उन्होंने कहा है कि विंडो 7 तो चलती नहीं है तो विंडो 10 उन्होंने कर दी है और मेरे लग गए हैं तकरीबन 400 रियाल और वो 400 रियाल गया है हर्चे में से जिसकी वजह से वो अब 400 रियाल पूरा ही नहीं हो रहा समझ नहीं आ रही कि ये जो गैप आ गया बीच में ये पूरा कैसे होगा तो इधर जुम्मे वाले दिन अक्सर मैंने पहले भी बताया हुआ है बच्चे शौक से खा लेते हैं तमीज़ और फूल तो वो ले आए हैं और इधर नाश्ता होने लगा है नाश्ता भी जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा लेट ही हो जाता है और ये है तमीज़ उसका सेंटर से मैंने ना बड़ी सूखी हुई सी रोटी होती है वो मैंने आज पहले से ही निकाल के वो तूर को मैंने मिक्स करके खिला दी है और ये पीस इसलिए काट रही हूँ क्योंकि बच्चे जब खाते हैं ना तो जो इसका मोटा मोटा हिस्सा होता है वो सारे शौक से खा लेते हैं और जो सूखा सूखा होता है वो जो एंड पे बंदा आता है ना खाने के लिए उसको फिर सूखी हुई मिलती है तो मैं ये अब इसलिए ऐसे करती हूँ कि मैं काट के रखती हूँ कि सूखी भी और मोटी भी सारी मिक्स जाए जिसके भी पास जानी है नाश्ता कर लेंगे सब और उसके बाद अपने अपने टाइम पे सब शावर लेंगे और जुम्मे की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको हलाल रोज़ी बरकत वाली बरकत वाला रिज़क अता करे
तो ये देखें, ये जो तमीज़ फूल है ना, ये अरेबिक ब्रेकफास्ट है, बड़ा फेमस इधर का, लोग शौक से खाते हैं। और लेमन और प्याज के बगैर इसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये पता नहीं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इधर बैठ के, और बार बार ठुक ठुक नीचे से कहाँ से एकदम से ऐसे लगता है जैसे बम फट गया, तो मैं डर भी जाती हूँ। दो दफ़ा ऐसे हुआ है। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज छोटी सी लड़ाई भी हो गई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जुम्मा का खुतबा हो गया है शुरू, जो कि मैं खुद भी बड़ी तवज्जो से सुनती हूँ, और आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा यही सुना रही थी कि फ़लस्तीन के बारे में खुतबे में बहुत अच्छे तरीके से दुआएं मांगी जा रही हैं। और हम सबको भी चाहिए कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हम दुआ ज़रूर करें, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। और इधर तूर साहिब जो है ना, वो मैं बैठ के दुरूद पाक पढ़ रही थी। ये अब इस टाइम, ये असर का तकरीबन टाइम है, तो असर के बाद कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। वैसे तो जुमे को सारा दिन ही, लेकिन असर के बाद दुआ की कबूलियत का टाइम शुरू हो जाता है, असर से मगरब होने तक, नमाज होने तक। तो कभी कभी कोशिश करती हूँ टाइम मिले तो मैं बैठ जाती हूँ असर के बाद मसल्ले से, फिर उठती नहीं हूँ। और तूर का बड़ा दिल करता है, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो वो सराना लेके अब इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, और जब मैं सलाम फेर लेती हूँ ना, तो फ़ौरन ही मसल्ले पे ना आके या तो बैठ जाता है, गोद में आके बैठ जाता है, कभी कभी तो दुआ भी साथ मांग लेता है। और कभी कभी आजकल इसने ऐसे शुरू किया, बस राना लेके आता है और उधर ही मेरे आगे आके लेट जाता है, और फिर बड़ी स्माइलें पास करता है। और मैं ये भी, मैं थोड़ा फिर ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ रही थी, तो ये भी मेरे साथ बैठ के पढ़ रहा था। अच्छा, मैं बनाने लगी हूँ पॉपकॉर्न। उसके लिए मैंने बर्तन में थोड़ा सा तेल डाला है, तेल डाल लें या बटर डाल लें, कुछ भी घी, डालडा घी, देसी घी, अपनी मर्ज़ी है। और साथ ही मैंने पॉपकॉर्न ऐड करके, ये देखें आग मैंने रखी है मीडियम और स्लो के दरमियान आग रखनी है आपने, ना बहुत हाई हो, मीडियम भी नहीं चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं चाहिए। और ढक्कन दे देना है, और तीन और चार मिनट में पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाएंगे। ढक्कन ऊपर से उठाना नहीं है बार बार। हाँ, इसको बर्तन को शेक ज़रूर कर सकते हैं, मेरा तो एक हैंड फ्री नहीं होता, नहीं तो मैं शेक ज़रूर करती हूँ दोनों हाथों से, दोनों साइडों से कपड़े के साथ पकड़ के, और ढक्कन पर ही हो और बर्तन को शेक करना। तो ये देखें, ये नमक वाले पॉपकॉर्न बन के तैयार हैं सिर्फ तीन या चार मिनट में। और साथ ही मैंने मीठे भी बनाने शुरू कर दिए हैं, ये मैं माह के लिए बना रही हूँ, माह की डिमांड है। उसके लिए भी आग बिल्कुल वैसे ही रखनी है, सारा वही तरीका है, बस अभी मैं इसको दो मिनट मैंने ढक्कन दे के रखा है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसमें मीठा कैसे ऐड करना है। और ये जो नमक वाले बनाए हैं, उसमें मैं नमक अभी एंड पे ऐड करके जब ये बन जाते हैं तो फिर मैं ढक्कन दे दूँगी, वो गरम गरम ही है अभी। तो इस तरह ये होता है कि वो जो थोड़ी सी स्टीम सी होती है ना, उसमें नमक जो है ना, वो मेल्ट होके पॉपकॉर्न के साथ चिपक जाता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो अगर दूसरी तरह डालें और ढक्कन ऊपर ना दें, तो फिर वो नमक सारा नीचे तह में जाके बैठ जाता है और पॉपकॉर्न ऐसे ही रूखे रूखे से रह जाते हैं। अच्छा, ये जो देखें जो मीठे वाले बना रही हूँ ना, उसके लिए दो मिनट मैंने इसको चूल्हे पर रखा है ढक्कन दे के। जब मुझे लगा कि ये पॉपकॉर्न बनने वाले हैं, फटने वाले हैं, तो मैंने उसमें चीनी ऐड की है, चार चम्मच भर के इसमें चीनी ऐड कर लें इस स्टेज पे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें फ़ौरन फ़ौरन, और साथ ही इसको ढक्कन दे के दो तीन मिनट के लिए पका लें। आग वैसी ही रखनी है, स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा, ये देखें इतनी। और इसको बर्तन को शेक करना बहुत ज़रूरी है, जब मीठे वाले करामिल वाले बना रहे हैं। मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरा एक हैंड फ्री नहीं होता, मेरी ये मिस्टेक है जिसकी वजह से थोड़े से ये जल गए थे। अब देखें इस स्टेज पर ये बन रहे हैं ना, तो दोनों साइडों से बर्तन को कपड़े के साथ पकड़ के साथ साथ हल्का हल्का शेक करते रहें, तो वो जलता नहीं है जो करामिल होता है।
मेरे 1% जल गए थे, उसकी एक वजह यह है कि जब इंसान का दिमाग ही जला हुआ हो, दिमाग में पता नहीं क्या कुछ पक रहा होता है, तो उसका एक नतीजा ये भी निकलता है खाने पे। असल में ना हम जिस घर में रहते हैं, घर के नीचे जिनका घर है ना वो खुद रहते हैं, तो ऊपर हम लोग रहते हैं और वो हमसे अच्छे खासे तंग हैं तूर के शोर की वजह से। पहले तो तूर ना कंप्यूटर में या मोबाइल में लगा रहता था, मैं उसे दिए रखती थी कि शोर ना हो, रोए ना, चीखे ना, लेकिन अब मैंने थोड़ा गौर किया है कि उसको ना इस तरह आदत होती जा रही है और वो कुछ और सीखता ही नहीं है, सिर्फ वो कंप्यूटर में घुसा रहता है। तो वैसे कंप्यूटर हो गया है ख़राब, जिसकी वजह से अब उसके पास कंप्यूटर है भी नहीं और वो शोर बहुत करता है। फिर घर में उसके पास कोई और एक्टिविटी नहीं होती है, या वो भागेगा, दौड़ेगा, ज़िद करेगा, कभी रोता है। खेल खेल में जब वो भागता है, दौड़ता है, जंप करता है ना, तो उससे भी वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी कंप्लेन करते हैं। और मैं वैसे तूर को मना भी करती हूँ, हम मना भी उसे करते हैं, लेकिन कितना मना करें, वो भी बच्चा है। कभी कभी मैं बीच में इग्नोर कर देती हूँ, ये देखें पॉपकॉर्न जो है ना वो 1% जल गए हैं, जिसकी वजह ये है कि मेरा इंसान का दिमाग जला हुआ हो ना, वही मैंने पहले कहा है, तो दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से खाने पे ये रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, खाने के काबिल हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। इधर मैडम आ गई हैं ट्राई करने के लिए। शुक्रान, ये नहीं है चम्मच, ये बस बस बस। आपने तो मीठा नहीं खाना था इतने दिन। हाँ, सब खा लेते हैं, क्या हो गया? नहीं, 8 दिन मीठा हड़ताल थी, डाइटिंग चलने लगी थी। हाँ, हाँ, सब खा लेते हैं। अब क्या हो गया, डाइटिंग नहीं अब करनी? नहीं, नहीं। मेरा वजन थोड़ा ही है। हाँ, इतनी मोटी तो नहीं है, लेकिन इसने मुझे 2-3 दिन पहले कहा था कि मामा मैंने मीठा नहीं खाना करना, आप मेरी चाय में भी चीनी ना डाला करें, बिल्कुल मेरी सादी बनाया करें, क्योंकि मैंने मोटे नहीं होना, कहती है मैंने पतले होना है। हालांकि पतली ही है, मोटी तो वो है ही नहीं। तो बस इसको मैं यही याद करवा रही थी कि माँ आपने तो मीठा नहीं खाना था, तो अब कहती है नहीं कोई बात नहीं, आज मैं खा सकती हूँ, वैसे भी मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, मैं पतली हूँ, हैर है, कोई बात नहीं, और सारे मैं ही खाऊँगी, मुझे पता है उसको ये पसंद है। और ये इस तरह क्रामिल वाले पॉपकॉर्न बनाने का ये बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है और इजी तरीका है। ये 3 मिनट में मज़ेदार पॉपकॉर्न जो है ना, मीठे वाले भी और नमक वाले भी बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आता है आप सब के शुक्रिया का टाइम। आप सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और रेगुलरली मुझे कमेंट भी करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, मुझे एहसास होता है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और थोड़ा सा हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट टाइम भी व्लॉग बना पाती हूँ। तो सारा क्रेडिट तो जाता है आप लोगों को। उनमें एक सदफ है, एक हुमैरा है, हुमैरा मेरी बहुत अच्छी व्यूवर्स हैं, जिन्होंने मेरे से मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा था कि जब कभी मैं पाकिस्तान आऊं तो वो मेरे से मिलना चाहेंगी, लेकिन सॉरी हुमैरा, आप कराची में होती हैं और मैं लाहौर के इर्द गिर्द कहीं हूँ, तो आप मेरे से नहीं मिल पाएंगी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। अच्छा, मैं इधर मास्क को देने आई थी पॉपकॉर्न, क्योंकि ये इसका स्नैक टाइम होता है और इसको क्रेविंग होती है बड़ी, तो ये स्टडी कर रहा है ऑनलाइन, माशाल्लाह बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो इसने कहा कि नहीं अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं नहीं खा सकता, तो फिर दिल नहीं उसका रुका, तो थोड़े से कहता चलें टेस्ट करवा दें, और उसके बाद मैं इन सब को देने के लिए आ गई हूँ। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मुझे कोई ना कोई बात ज़रूर याद आ जाती है, तो अब मैंने सोचा कि मैं आप जिनके मैं नाम नहीं ले सकी उनको भी मैं सॉरी कह दूं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी। आपको पता है छोटा सा व्लॉग है तो उसमें इतनी एक्स्ट्रा बातें हो ही नहीं पाती हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर नाम ले लूँगी। आप सब जिनके मैंने नाम नहीं लिए ना, मेरे लिए वो सब भी बहुत अहम है।